मुझे यकीन है कि आपको 14 जून 2020 याद होगा। ये एक अविस्मरणीय दिन था। ये वह दिन था जब सबसे चहेते अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली थी। आप सब जानते हैं कि हर कोई सदमे में था और दुनिया भर में उनके प्रशंसकों को विश्वास नहीं हो रहा था कि वे मर चुके हैं। साथ ही उनका परिवार भी हैरान था। आप सभी इससे वाकिफ है। आरोप लगाया गया कि उनकी मौत आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। हालांकि अंतिम रिपोर्ट में दावा किया गया कि आत्महत्या थी, इसके बारे में हमने आपको बताया था। उनका अंतिम संस्कार किया गया और लोग आज तक दुखी हैं। अब उनकी मौत के 2.5 साल बाद इस मामले में एक चौंकाने वाला मोड़ आया है, जिसमें दावा किया गया कि सुशांत की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी। क्या ये सच है? फिर इतनी देरी क्यों? न्यूज़ चैनल TV9 मराठी ने रूपकुमार शाह नाम के एक शख्स का इंटरव्यू लिया। रूपकुमार कूपर अस्पताल में कर्मचारी है, जहां सुशांत के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था और पोस्टमार्टम के लिए शव को काटने और सिलने की जिम्मेदारी उन पर थी। इंटरव्यू में उनके रहस्योद्घाटन ने इंटरव्यूअर को हैरान कर दिया। जब इंटरव्यू जारी हुआ तो दर्शक भी हैरान रह गए और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ, रूपकुमार ने बताया कि 14 जून 2020 को अस्पताल में 5 शव लाए गए थे। वरिष्ठ डॉक्टरों ने रूपकुमार को बताया कि पोस्टमार्टम के लिए लाया गया एक शव किसी VIP का है। जब उन्होंने कपड़ा हटाया तो पाया कि शव सुशांत सिंह राजपूत का था। वे चौंक गए। रूपकुमार ने प्रक्रिया शुरू करते हुए वरिष्ठ डॉक्टरों को सूचित किया कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है, लेकिन उनसे ये कहा गया कि वह सिर्फ अपना काम करे और दखलअंदाजी ना करे। वह चुप रहा और अपना काम करने लगा। सुशांत के शरीर से कपड़े उतारे तो चोट के निशान देखकर वह दंग रह गया। आप जानते हैं कि आत्महत्या और हत्या शरीर पर अलग अलग घाव छोड़ती है। उदाहरण के लिए आत्महत्या में जब व्यक्ति फांसी लगाता है तो उसकी गर्दन पर सिर्फ एक निशान होता है। हालांकि आत्महत्या के निशान के अलावा गले पर और भी निशान थे और जब कपड़े उतारे गए तो शरीर पर पिटाई के निशान भी थे। ऐसा भी लग रहा था जैसे एक हाथ और एक पैर टूट गया हो। यह देखकर रूपकुमार चौंक गया और उसे लगा कि यह एक हत्या है। उन्होंने वरिष्ठ डॉक्टरों से कहा कि बेहतर होगा कि पूरी पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई जाए, लेकिन उनके सीनियर ने उनसे कहा कि वे केवल फ़ोटो खिंचवाएंगे और जल्दी से काम ख़त्म कर दिया जाए। उन्होंने रूपकुमार से कहा कि तस्वीरें ही काफ़ी है और शव को जल्दी से अंतिम संस्कार के लिए सौंपना होगा। उन्हें नहीं पता कि सीनियर को किसने निर्देश दिया था। जब तस्वीरें ली जा रही थी तब रूपकुमार ने अपना काम किया, लेकिन उन्हें यकीन था कि यह एक हत्या थी और ना कि आत्महत्या। वीडियो शूट तो होना ही था, लेकिन हुआ या नहीं किसी को नहीं पता। ये थे चौंकाने वाले बिंदु जिनका उन्होंने खुलासा किया। सुशांत के वकील विकास सिंह ने कहा कि वह इस पर कमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि सुशांत की बहनों को संदेह है कि यह हत्या थी, लेकिन उन्होंने उनसे इंटरव्यू के बारे में बात नहीं करने के लिए कहा है, इसलिए वे कोई कमेंट नहीं कर सकते और केवल CBI ही सुशांत की मौत के पीछे की साजिश का पर्दाफाश कर पाएगी। अपडेट के लिए ISH न्यूज़ देखते रहिए।